इंट्रोडक्शन। मेरा नाम दीपक न्याज है और मैं रेड आर्ट्स पंजाब थिएटर टीम से हूँ और हम पिछले 6-7 साल से लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों की आवाज़ बन रहे हैं। ये दीपक जी, जो ये 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड हुई, उसके अनुसार काफ़ी रिपोर्ट्स खास करके नेशनल मीडिया में सुनने को मिल रही हैं, उसके बारे में आप सबसे पहले पुलिस फोर्सेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर ख़ासतौर पे मैं पंजाब से बाहर के लोगों को, इसीलिए हम हिंदी में बात कर रहे हैं, आपसे मुताबिक होकर मैं बात करना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को बिल्कुल भी टेररिज्म या खालिस्तानी लहर के साथ बिल्कुल ना जुड़िए। हमारी जो मांगे हैं वो किसानी को लेकर हैं। जो 3 कानून बनाए हैं वो आपकी समझ होगी कि ये ठीक है या गलत है, लेकिन जो हमारी समझ है वो हमारी समझ ये है कि ये 3 कानून किसानों के लिए बहुत हानिकारक हैं और इनको रद्द करवाने के लिए हम आए हैं। और यहाँ पे किसी स्पेसिफिक धर्म का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे किसी स्पेसिफिक कास्ट या किसी भी नस्ल का कोई लेना देना नहीं है। ये आंदोलन सारे देश का है। आज महाराष्ट्र के बॉम्बे में भी किसान बैठा है, आज उत्तरांचल से भी किसान आ रहा है, उत्तराखंड से भी किसान आ रहा है, उत्तर प्रदेश से भी किसान आ रहा है, हरियाणा से भी किसान आ रहा है और पंजाब से भी किसान आ रहा है। ये बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि बार बार नेशनल मीडिया पर यही दिखाया जा रहा है कि ये खालिस्तानी लोग हैं। और जो कल एक्शन हुआ है उसकी हम सख्त निंदा करते हैं। हमारी जो जत्थेबंदियों के आगू हैं उन्होंने भी सख्त और कड़े लफ्ज़ों में निंदा की है, वो कतई नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो हुआ आपको वो थोड़ा खोल कर समझने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे मैं पंजाब से बाहर जो लोग बैठे हैं, जो घर पे नेशनल मीडिया को देख कर आप अपना एक विज़न बना रहे हैं, वो आपको सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये तय हुआ था कि 26 जनवरी को हम एक ट्रैक्टर मार्च करेंगे जो बड़ा पीसफुली होगा। जैसे 2 महीने से हम पीसफुली ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लोगों को पता भी है कि हमने अब तक कोई भी ऐसी कोई शरारत नहीं की थी कि जिससे देश की एकता और अखंडता पर कोई भी असर पड़े। हमने 26 तारीख का ये प्रोग्राम तय किया हमारे आगुओं ने और उसके बाद एक रिंग रोड तय किया गया जिस पे हमने ये ट्रैक्टर मार्च करना था और ये रिंग रोड बाहर था। हम दिल्ली की जनता को बिल्कुल भी दुखी नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब सरकारी फरमान आया और हमारी मीटिंग्स चलती रही, फाइनली पुलिस प्रशासन की तरफ से 5 बॉर्डर्स लगते हैं और 5 बॉर्डर्स को अलग अलग रूट्स दे के दिल्ली के अंदर ये ट्रैक्टर मार्च करने के लिए बोला गया दिल्ली की पुलिस के द्वारा। तो इन चीज़ों को हमने माना। उनमें 1-2 जत्थेबंदियाँ थी, उनका ये मानना था कि लोगों को पहले रिंग रोड दिया गया था, अब आप रूट चेंज नहीं कर सकते, तो ये बागी स्वर थोड़े से उठने लगे। लेकिन फिर भी जो संयुक्त किसान मोर्चा का जो अलायंस था उन्होंने वही बोला कि सरकारी जो रूट दिया गया है, जहाँ पर हमारी सहमति बनी है, हम उसी में जाएंगे। 1-2 जो अखौती लीडर बने फिर रहे हैं, मैं पर्सनली अटैक नहीं करूँगा, वो आपने सोशल मीडिया पर देख भी लिया है, जो दीप सिद्धू हैं जिन्होंने वहाँ पर लाल किले में जाके लोगों को साथ ले जाके वहाँ पे ब्रूचल एक एक्शन करने का काम किया है, वो एक ऐसे 1-2 लोग और कुछ 1-2 जत्थेबंदियाँ जो मोबिलाइज होगी सरकारी प्रोपेगंडा में, उन्होंने लोगों को भड़काने का काम किया। हमारी स्टेज पर आकर लोगों ने रात को मतलब रिंग रोड पे जाने के लिए नौजवानों को उकसाया। सुबह हमने 10 बजे चलना था। और एक बात मैं आपको खास तौर पे बताना चाहता हूँ हिंदुस्तान के लोगों को, यहाँ पर 1,000,000 इंसान आए हुए थे। 1,000,000 में से अगर 10-15,000 लाल किले में जाकर हड़दम मचाते हैं, उसकी हम भी निंदा करते हैं आपकी तरह, हम भी देशवासी हैं, हम भी देश की एकता और अखंडता को प्यार करने वाले हैं। उन पर सरकार क्या एक्शन करती है क्या नहीं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। जो भी सरकार एक्शन करेगी हमें उससे सच में कोई लेना देना नहीं है, कुछ मर्जी उनसे सरकार करे। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन 10-15,000 की वजह से जो शरारती लोग थे, जो 10-15,000 हमें भी अभी तक क्लियर नहीं क्या वो सभी के सभी किसान थे, क्योंकि एक तो पक्ष आपको बहुत समझने जरूरी है कि जो सबसे पहले किसान लाल किले में मोबिलाइज होकर पहुंचे थे, उनका कहना ये था कि जब वो लाल किले की तरफ जा रहे थे तो कोई बैरिगेटिंग नहीं थी। लाल किले में चिड़िया भी पर नहीं मार सकती सरकारी इजाजत के बिना, वहां पर कोई बैरिगेटिंग नहीं थी। और जब वो लाल किले के अंदर एंटर हुआ वहां पर पुलिस ऑफिसर कोई नहीं था, बल्कि 1,000 लोग ऑलरेडी तक, कौन था वो 1,000 लोग, ये सरकार को खोजने की जरूरत है। हम अटैक नहीं करते कि ये सरकारी लोग थे या सरकार ने भेजे थे, लेकिन सरकार को इसमें खोजने की जरूरत है कि वो 1,000 लोग कौन थे। और दूसरा नंबर, 4 घंटे वहाँ पे पुलिस कोई नहीं है, क्या बात, लोग पुलिस को नहीं पता कि था कि लोग लाल किले की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्होंने क्यों नहीं फोर्स तैनात की, क्यों उनको लोगों को मौका दिया? ये मौका इसलिए दिया क्योंकि पुलिस और सरकार कहीं ना कहीं चाहती थी कि लोग ऐसा एक्शन ले कि देशवासी जो हैं हमारे हिंदुस्तान के, उनके मन में ये विजन जाए कि ये लोग खालिस्तानी हैं, ये लोग टेररिस्ट हैं। इसीलिए इस चीज़ को आप थोड़ा खोल के समझिए। और दूसरी बात, जो सरकारी रूट तय किया था, जब 10 बजे वहाँ से निकलना था, जो पहले लोग 10-15,000 निकल गए
कि हमारा उनसे कोई लेना देने नहीं, लेकिन जो 9,90,000 के नज़दीक जो लोग थे वो जब सरकारी रूट से निकलने लगे तो वो सरकारी रूट पे बैरिकेटिंग कर दी गई। जब उनको कारण पूछा तो पुलिस ने बताया कि अब आपका मसला बिगड़ चुका है और आप रिंग रोड की तरफ जाइए, और लोगों को फोर्सफुली लाल किले की तरफ भेजा गया। तो ये जो प्रोपेगंडा सरकार की तरफ से बनाया गया है, जिसमें दीप सिद्धू जैसे लीडर्स ने पंजाब के लोगों को भी मोबिलाइज किया। और एक मैं और बात बताना चाहता हूँ, हमारे पास प्रूफ नहीं है इसलिए वो लड़का कैमरे पर आकर बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये एक बात बताता हूँ कि हमारी एक मेडिकल टीम गई थी, उसमें उन्होंने किसानों के साथ साथ पुलिस प्रशासन के भी, जो सर पे चोट लग रही थी, कोई कहीं पे चोट लग रही थी, उनकी मलम पट्टी कर रहे थे, और पुलिस प्रशासन का जब वो इलाज कर रहे तो पीछे से पुलिस आई और उनके सर पर लाठियां मारी। मेडिकल ऑफिसर्स को भी उन्होंने, डॉक्टर्स को भी अटैक किया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो जो पीछे से पुलिस आई, वो कभी पुलिस नहीं ऐसा काम कर सकती, पुलिस कभी भी मेडिकल स्टाफ को नहीं पीट सकती। कौन थे वो लोग जो पुलिस की वर्दियाँ डालकर आए, कौन थे वो लोग जिन्होंने, जो एक बता रहे थे लोग कि एक गाड़ी आई और उसमें से कम 20-25 लोग उतरे और किसानों के बीच में मिल गए और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। सबसे पहले पत्थर उन्होंने चलाए, उधर से पुलिस का अटैक हुआ, फिर जो रियल किसान थे उन्होंने भी अपने बचाव के लिए वो पुलिस पर एक्शन लिया। तो ये जो प्रोपेगंडा के तहत माहौल बनाया गया है, मैं आपको हिंदुस्तानी लोगों को विनती करता हूँ कि हम ना तो खालिस्तानी, आप एक तरफ, मैं चाहता हूँ कैमरामैन से आप इस तरफ एक बार नज़र मार के दिखाएं लोगों को। सर ये देखिए, आप इतनी आबादी वाले एरिया में ट्रैक्टर्स खड़े हैं, 2 महीने से हम यहाँ पर बैठे हैं। अगर ये लोग टेररिस्ट थे, अगर ये लोग आतंकवादी थे, तो आप इन लोकल लोगों से आकर पूछो, 2 महीने हो गए हैं, कभी हमने इनको, इनकी सुई भी कभी उठाई है? ये दुकानें चल रही हैं, व्यापार कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, कोई निकलता है तो हमारे नौजवान हैं, लड़कियों को खुद ब खुद रास्ता देते हैं। आप दिल्ली के लोकल लोगों से आके पूछिए। लेकिन ये जो प्रोपेगंडा के तहत हमारे मोहर लगाने की कोशिश की है खालिस्तानी की, तो यहाँ टेररिज्म की, ये हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। और जो लाल किले में लोग गए, जिन्होंने झंडा फहराया, सरकार उसमें एक्शन ले, और जो भी एक्शन लेगी हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। वो सरकार का और उन बिगड़े हुए लोगों का काम है, लेकिन इट डज नॉट मीन कि जो यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं ये टेररिस्ट हैं, ये खालिस्तानी हैं। ये प्लीज़ आप अपना विज़न ऐसा मत क्रिएट करिए। मैं हिंदुस्तान के लोगों को बेनती करता हूँ, पंजाब हमेशा हिंदुस्तान का हिस्सा था और हमें बड़े गर्व से हमें बड़े गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के लोग हैं, और हिंदुस्तान की संस्कृति ही यही है, अलग अलग रंग, अलग अलग धर्म, अलग अलग जात यहाँ पे। और एक और मैं बात आपको कहना चाहता हूँ, हालांकि वहाँ पे किसी भी धार्मिक झंडे को लहरा नहीं जाना चाहिए। हम रेड आर्ट्स पंजाब की तरफ से मानते हैं कि अगर लाल किले में धार्मिक झंडा लहराएंगे तो आज सिखों ने लहराया, कल को हिंदू बोलेंगे, परसों को ईसाई बोलेंगे, फिर कोई और उठ के, वहाँ पे झंडे ही झंडे हो जाएंगे। हमें एक हमारा हिंदुस्तान का झंडा है, और हिंदुस्तान के झंडे में जो सबसे ऊपर केसरी रंग है वो सिखों की कुर्बानियों का रंग है, तो हमें उस झंडे से कोई परहेज नहीं है। लेकिन एक आप ये भी बात मानिए कि आपको लग रहा है कि वो खालिस्तान का झंडा है, वो खालिस्तान का झंडा नहीं है। वो अगर आप उसको खालिस्तान का झंडा मानेंगे तो याद रखिए, पंजाब में आपको वो झंडा हर घर के बाहर देखने को मिलेगा, क्योंकि वो खालिस्तान का झंडा नहीं है, वो हमारे धर्म का झंडा है। हाँ, ये एक पक्ष है कि वहाँ पे किसी भी धर्म का झंडा नहीं होना चाहिए, वहाँ पे सिर्फ हिंदुस्तान का झंडा होना चाहिए। और जिसने वो हिंदुस्तान का झंडा, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हिंदुस्तान का झंडा पकड़ के नीचे फेंक दिया, उस बंदे पे कार्रवाई होनी चाहिए, हम खुद मानते हैं। और एक और वीडियो वायरल हो रही है, वीडियो नहीं वायरल हो रही, किसी ने पोस्ट डाला सोशल मीडिया पे कि पुलिस, जो फीमेल पुलिस थी उन पे एक्शन हुआ। नहीं सर, आप ये ऐसी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं जहाँ पे एक लाल किले के अंदर फीमेल पुलिस को प्रोटेक्ट करता हुआ एक निहंग सिंह बाहर सेफ जगह पर छोड़ कर आया है, ऐसी वीडियो भी वायरल हो रही हैं, वो भी आप देखिए, जहाँ पर पगड़ी बंधी हुई है, वाइट कुर्ता पजामा डाला हुआ है उस लड़के ने, और एक पुलिस वाले को लोगों ने घेर लिया है और उसको बचा कर वो वापस लेकर सेफ जगह पर छोड़ के आया है। तो आप ये विज़न मत क्रिएट कीजिए, ये कुछ शरारती लोगों और जो एक प्रोपेगंडा के अंदर गुंडागर्दी हुई है, जो किसानों के भेस में आए, पुलिस वालों के भेस में भी आए, तो इन सब गुंडागर्दी को लेकर अपना विज़न ये मत क्रिएट कीजिए दैट वी आर टेररिस्ट, वी आर नॉट टेररिस्ट, वी आर नॉट खालिस्तानी। थैंक यू सो मच।